खामोशियां एहसास हैं, तुम सुन ले तो आओ जरा। खामोशियां एक साज हैं, तुम धुन कोई बजाओ जरा। थैंक यू डॉक्टर मितिका फॉर टेकिंग अस इनटू द साइलेंट येट स्ट्रॉन्ग मैजिकल वर्ल्ड। क्या हम तैयार हैं टू स्विम फर्दर विद दिस मैजिकल करंट? आर वी रेडी? हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी टू प्रोसीड फर्दर? यस, the tide is strongly flowing. And taking us further is Dr. Chandrasekhar. Chandrasekhar Bhai, National President hai, Shiksha Solutions ke, Program Director hai, Tamil Nadu, Physical Education or Sports University, Chennai ke. Guinness World Record holder hai, Asia Book of Records holder hai, and India Book of Records holder hai. Aur unhone wo jo ek missing link, ek missing dimension tha, मेडिकल साइंस और साइकोलॉजी के बीच में, उसको वापस रीडिस्कवर किया है, द साइको न्यूरोबिक्स। उनका जीवन एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस तरह इतनी खूबसूरती और सुंदरता से उन्होंने दो मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, कैंसर और हेपेटाइटिस सी को ओवरकम किया है। डिस्कवर द डॉक्टर विद इन यू, डॉक्टर चंद्रशेखर प्लीज। ब्रेकफास्ट किया तो आज का दिन एक नई दुनिया के लिए है ना, जो अभी अंदर है और एक बाहर नई दुनिया बनाने के मीडियम है। तो वर्चू बेबी यानी संस्कार वाला बच्चा, ठीक है। हेलो, तो बच्चे के लिए क्या चाहिए? पर्सनालिटी में आप क्या चाहते हैं? बच्चे में क्या होना चाहिए? फिजिकली अच्छा हो और मेंटली भी अच्छा हो। मेंटल पर्सनालिटी मीन्स व्हाट? व्हाट डू यू मीन मेंटल? हैप्पी। और उसमें हमेशा सकारात्मक चिंतन, ठीक है। देन सोशल, जिसमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी में होना चाहिए। और इमोशनल, इमोशनल मीन्स व्हाट? भावनात्मक रूप से। तो थॉट्स, मेंटल और इमोशनल दोनों में क्या फर्क है, बता सकते हैं? हाँ बोलिए। जो दूसरों के सुख में खुद खुशी महसूस करे और दुख में दुख, इसे भावनात्मक कहेंगे। जबकि मेंटली में व्यक्ति बुद्धि से कार्य करता है, इसमें मन से कार्य करता है। एम्पैथेटिक होगा, नहीं बोला? वेरी गुड, ओके। एंड स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल विल बीइंग क्या कहेंगे? पूजा पाठ करने वाला पॉजिटिव, ओके। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आत्मा, है ना, आत्मिक रूप से, है ना, पावरफुल हो। आत्मिक रूप से पावरफुल वो है जिसमें आत्मा के जो प्राइमरी वर्चुज और सेकेंडरी वर्चुज दोनों, है ना, मौजूद हो। आप देखिए शादियाँ होती है ना, तो जो मिलान होता है कुंडली का, उसमें सेकेंडरी और प्राइमरी वर्चुज का ही होता है। बोलते वो 36 गुण में से कितने गुण मिलते हैं तभी शादी होती है, और गुण नहीं मिलते तो शादियाँ नहीं होती है। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या करना पड़ेगा? वेदाज में क्या कहा गया है? व्हाट ए चाइल्ड लर्न्स इन द वोम कैनॉट बी लर्न ऑन द अर्थ। सबसे पहला जो लर्निंग है वो वोम में ही होता है। आपने अभिमन्यु का भी नाम सुना ही है। नेक्स्ट, तो इस वर्चू बेबी का विजन क्या है हमारे दृष्टि से? दैट मीन्स टू अलाउ योर बेबी टू अचीव हिज फुल जेनेटिक एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल बाय गिविंग हिम द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन द लाइफ, द बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट फॉर द ब्रेन टू डेवलप एंड टू इंक्रीज हिज चांस ऑफ एक्वायरिंग सेवरल डिजायरेबल कैरेक्टर ट्रेट्स। नेक्स्ट, द सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबोर्न चाइल्ड, द फर्स्ट स्कूल वी हैव एवर अटेंड इज द मदर होम। तो आप समझ लीजिए कि आप टीचर भी हैं होने वाले बच्चे का, है ना, जो आप
उसको 9 महीना पढ़ाते हैं, है ना, जैसे अभी डॉक्टर नितिका बोल रहे थे ना, पढ़ने के लिए एक पूरा एक साल होता है, 9 महीना भी एक तरह का एक आपका एज ए टीचर यू टीच योर बेबी. द फीटस एंड बेबी हैव अमेजिंग जीनियस एबिलिटी, दीज आर राइट ब्रेन एक्टिविटीज. क्योंकि जब घर में बच्चा होता है वो सुनता है और उसको देखने की इमेजिनेशन पावर बहुत होती है, क्योंकि वो देख नहीं सकता. देख सकता है बेबी? नहीं देख सकता, उसका आँख बंद होता है, इसलिए उसका जो इमेजिनेटिव पावर होता है बहुत हाई होता है. इसलिए जब भी आप बातें करते हैं वो सुनता है और इमेजिन करता है, तो उसका राइट ब्रेन की एक्टिविटी बहुत हाई होती है. नेक्स्ट, एज योर बेबी मदर यू कैनॉट हाइड योर मोस्ट इंटीमेट थॉट्स एंड फीलिंग फ्रॉम योर ग्रोइंग बेबी. डॉक्टर नितिका ने बताया कि जो भी आप सोचते हैं, आपसे सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन है? आपका बेबी. उससे आप कुछ भी नहीं छिपा सकते, मन की भावनाओं को, मन के विचारों को. नेक्स्ट, द एजुकेशन ऑफ ए ह्यूमन बींग शुड बिगिन एट बर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आउट हिज लाइफ. इफ यू वॉन्ट दिस एजुकेशन टू हैव इट्स मैक्सिमम रिजल्ट, इट शुड बिगिन इवन बिफोर बर्थ, मदर टेरेसा ने कहा है. नेक्स्ट, तो हमें ब्रेन पावर को कैसे बढ़ाना है? इंटेलिजेंस, आप देखिए ब्रेन इंटेलिजेंस देन मे बी ए मैटर ऑफ एफिशिएंसी एंड दैट इज न्यूरल एफिशिएंसी. क्योंकि अगर आपका ब्रेन सही नहीं हो तो क्या होगा? कंप्यूटर, ब्रेन इज व्हाट? कंप्यूटर. और कंप्यूटर एफिशिएंट नहीं हो तो आप काम कर पाएंगे? हमेशा हैंग होता रहेगा इंफॉर्मेशन. तो इसलिए आप जो कंप्यूटर की जो रचना करते हैं उसके लिए आपको मदद करना है. भगवान तो रचना करते हैं, लेकिन यू हैव टू प्रोवाइड द मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट. आप देखिए, आप इसमें कुछ देख रहे हैं सिमिलरिटी? कान है ना, कान का शेप कैसा है? कैसा है? फीटस की जैसा है. और बच्चे का जो ब्रेन है वो कहाँ है? लोब है, ईयर लोब है. ठीक है, तो आप प्रेगनेंसी में 4 महीने के बाद, है ना, ये जो ईयर लोब को सिर्फ खाली आपको मसाज करना है. ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग हाथों से करना है. लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट राइट ब्रेन को, राइट ईयर लोब को जो लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, आपको बाई हाथ से ऐसे करके इसको खाली रगड़ना है, रगड़ना है और इसको ये करना है, मसाज करना है ऐसे ऐसे वाइल पुलिंग. ठीक है, तो इससे क्या होगा, फीटस का ब्रेन के जो नर्व्स होंगे ना वो आपस में कम्युनिकेट कर. ठीक है, उसी तरह राइट लेफ्ट ईयर लोब को राइट हैंड से करना है, दोनों को साथ करना है, फिर बैठे बैठे ही करना है. कर सकते हैं? इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी है. इससे क्या होगा, ब्रेन की ट्यूनिंग हो जाएगी. ठीक है, और नहाते समय भी पूरे ईयर को पूरा ऐसे ऐसे पूरा चारों तरफ क्या होता है, मसाज करना है. तो आपको फीटस में कभी भी, फीटस डेवलपमेंट में कभी भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी. फीटस का जो ग्रोथ होगा बहुत अच्छा होगा. ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट है? 5 मिनट का एक्सरसाइज है. ओके, नेक्स्ट. बाकी ये चक्र, चक्र है चक्र के बारे में जानते हैं? व्हाट इज चक्र? कितने लोग जानते हैं चक्र के बारे में, हाथ खड़ा करें. ओके, फाइन. चक्र, चक्र क्या है? हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम है. नर्वस सिस्टम में जानते हैं तो सभी को पता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में करंट कहाँ से आती है? आपके जैसे स्विच बोर्ड बनाए गए हैं सब जगह, हर एक स्विच बोर्ड का एक कनेक्शन होता है एमसीबी से. एमसीबी जानते हैं? व्हाट इज दैट एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. उसका क्या फंक्शन होता है? जब ज्यादा उस पर लोड आएगा तो क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. तो उसी तरह भगवान ने ये 7 चक्रों को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की तरह बनाया है. ठीक है, जब भी आप में थोड़ा इमोशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा, ट्रिप ऑफ हो जाता है. इसको आप बोलते हैं ना
मूड ऑफ हो गया, बोलते हैं कि नहीं बोलते, मूड ऑफ। मूड ऑफ का मतलब क्या होता है, आपका जो एमसीबी है वो ट्रिप ऑफ हो गया। जब ट्रिप ऑफ होता है तो आपके चक्र जो होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग हट जाते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, चक्र दिखाना है रविंद्र का। अभी ये जो सातों चक्र एक लाइन में है, ठीक है, जब एक लाइन में होता है तो आपके सारे एमसीबी ऑन है, सफिशियंट करंट जा रहा है, ठीक है। जैसे इमोशनल एमसीबी गिर जाएगा, इमोशन ज़्यादा होगा, चाहे गुस्सा है, चाहे फीलिंग है, चाहे चिंता है, चाहे उदासी आए, है ना, ये सब जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। आपको हमारे पास मशीन है जिससे हम देखते हैं, नॉर्मल मशीन भी है और कंप्यूटराइज मशीन भी है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि उसकी चक्र लाइन में है कि लाइन में है। अभी आप में से कोई भी एक आदमी आ जाएगा या दो आदमी, कोई भी, एनी जो एक्सपेक्टिव मदर्स कैन कम टू एनी टू मदर। हमारे पास नॉर्मल हैनी मशीन है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि सातों चक्र लाइन में है कि नहीं है, ठीक है, और बेबी को सफिशियंट एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि बेबी फीटस का जो ग्रोथ होता है एनर्जी बेस्ड होता है। दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो होता है केमिकल एनर्जी जो आपको डाइट से मिलता है, जो डाइट आप लेंगे वैसे उसमें केमिकल्स ग्रो होगा, लेकिन उस केमिकल्स के द्वारा ग्रोथ जो डिपेंड करता है वो लाइफ एनर्जी बींग के ऊपर डिपेंड करता है। तो बींग का एनर्जी है कि नहीं, देर ये आप देखिए, दिस इज ये टेस्टर होता है ना आपका, इलेक्ट्रिकल टेस्टर, टेस्ट करते हैं करंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो इसी तरह टेस्टर है, ये टेस्टर टेस्ट करेगा कि उस चक्र में एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही, एमसीबी ट्रिप ऑफ है कि ठीक है। अगर एमसीबी ऑफ होगा तो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जो बॉडी की एनर्जी है वो एनर्जी निगेटिव पोल है, ये दोनों निगेटिव है, द मोमेंट आई पुट इट हियर इट विल रिफ्लेक्ट। तो ये थ्योरी ऑफ रिपल्सर पे काम करता है, जब एनर्जी की फ्लो होती है तो वहाँ पे पॉजिटिव फील्ड होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों क्या रहेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जस्ट चेक वो सकते हैं, मोबाइल तो नहीं है ना, मोबाइल कभी नहीं रखना है, ठीक है, कभी भी शरीर के किसी भी पार्ट में मोबाइल नहीं रखना है, नहीं तो आपकी एनर्जी लेवल मोबाइल से क्या होता है, कम हो जाता है। आप ऐसे घूमिए, अभी आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड है, यहाँ भी पॉजिटिव है, अब यहाँ पे हल्का सा 10 डिग्री का रिपल्सन है, ठीक है, और यहाँ पे करीब 90 डिग्री का रिपल्सन है, ठीक है, और यहाँ पर रिपल्सन 180 डिग्री होगा। बेबी को केमिकल मिलेगा लेकिन एनर्जी नहीं मिलेगा, जब एनर्जी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जैसे कि लाइट ऑफ हो गया तो क्या हो जाता है ना? जो प्रोसेस होता है वो ठीक से नहीं होता है। और आप देखिए ऑरा, आप देखिए ऑरा, ऑरा बिल्कुल कम है, जबकि ऑरा इनका डबल होना चाहिए क्योंकि टू बीइंग्स है, ठीक है। देखिए इनका यहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्स है, 2% यहाँ, यही से एनर्जी बहुत कम आ रही है ना, एनर्जी बहुत कम है। और आप देखिए अभी यहाँ से एनर्जी डाउन है, इसका सबसे बड़ा प्रूफ होगा कि इनके यहाँ पे एनर्जी न्यूरो मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगा। आप ऐसे ऐसे पूरा ताकत लगाना है, ठीक है, ऐसे करिए ऐसे, ओके। ये यहाँ पे मैं एक उंगली से नीचे करूँगा, आपको रोकना है, ठीक है, रोकना है, रोकने की कोशिश कीजिए, पूरा ताकत लगाइए, नहीं हो पा रहा है ना, ये नीचे हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एनर्जी यहीं पे नहीं जा रहा है तो नीचे कैसे जाएगा, ठीक है। इनका एनर्जी यहाँ भी, इनका करीब 10 डिग्री का रिपल्सन उनका ज़्यादा है, ठीक है, इनका भी चेक करते हैं, ऐसे करिए, हम कम इन साइड, कम इन साइड, कम इन साइड, यहाँ पे हड्डी के पास में, ठीक है, अभी ये उनसे थोड़ा सा रेसिस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन फिर भी एनर्जी कम है। फीटस को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो फीटस जब एज ए बेबी बाहर आएगा तो सबसे बड़ा यही कंप्लेन करेगा, आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया।
क्योंकि उसको सबसे ज्यादा क्या, उसी लिए वो कभी कभी लात मारता है. तो आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है. तो हाउ टू गिव द एनर्जी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. ये प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे, यानी कि चतुर्प आपके सामने ठीक करेंगे, कोई भी ठीक कर सकता है. सबसे पहले आप देखिए फीटस में क्या होता है, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है, होता है ना लिक्विड, पानी ज्यादा होता है. पानी कितना पीते हैं आप, मतलब लीटर कितना, लीटर कितना पीते, बस 2 लीटर पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, ठीक है. और पानी, पानी को कैसे पीना है, चार्ज करके पीना है, पानी में एनर्जी को ट्रांसफर करना है. आज हम जो भी पानी पीते हैं उसमें एनर्जी नहीं है. आप लोग दिखाते हैं पानी की बोतल में, दोनों 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 बोतल में वो नहीं. हाँ अभी आप देखिए आ रहे हैं, ठीक है. अभी आप देखिए ये जो चक्र हमने चेक किया, ये अगर हम इसी को कंप्यूटराइज मशीन से चेक करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 कैसे चक्र बोलते हैं ना, चक्र पूरा क्या हो गया है, आउट ऑफ अलाइनमेंट, आउट ऑफ लोकेशन, ठीक है. जब तक ये सामने नहीं हुआ, देखिए ये देख रहे हैं ना गले के पास से, ये थोड़ा डिग्री है, इसका मतलब करीब 15 to 20 degrees है. यहाँ पे 10 degrees है और यहाँ पे ज्यादा हो गया है, 90 degrees से ज्यादा हो गया, ये 180 degrees करीब आ गया, ये लाइन में है. तो इस तरह चक्र क्या होता है, कंप्यूटराइज चेक करने पे ऐसे आते हैं, ठीक है. और दूसरा दिखाइए, अरे देखिए लाइन में है, कैन यू सी, ये सारा क्या है, लाइन में है. तो जब लाइन में हो जाएगा तो एनर्जी पूरी जाएगी, है ना. पानी, पानी जब भी आप पियेंगे तो पानी को चार्ज करके पियेंगे. चार्ज करने से क्या फायदा होता है चेक करते हैं. अभी आप इसको थोड़ा सा पीजिए, इसको भी आप थोड़ा सा पीजिए, देखते हैं पानी से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता. ठीक है, हाँ पीजिए, अभी पानी पीने के बाद में हम देखते हैं वैसे कि वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों फर्क नहीं पड़ा, यानी पानी को सबसे ज्यादा गुस्सा है. आप देखिए, खोलिए इसको, अभी देखिए थोड़ा सा ऐसे कीजिए. अब देखिए पानी के एनर्जी को हम चेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसमें एनर्जी नहीं है, ठीक है ना. आप देखिए आपने पी लिया, इसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पड़ा. इसका चेक कीजिए, वैसे कीजिए. आप देखिए पानी में सबसे ज्यादा गुस्सा क्यों है पता है, पानी का जो नेचर है उसका नेचर हमेशा फ्लो होना. जब पानी फ्लो होता है तो क्या होता है, उसमें करंट होती है, ठीक है. जब पानी स्टैग्नेंट होता है तो उसमें करंट नहीं होता है, वाइब्रेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. तो पानी में हमें वाइब्रेशन देना है, और उल्टा हम क्या करते हैं, पानी को एक स्टैग्नेंट करते हैं, केमिकली प्यूरीफाई करके इसको लॉक कर देते हैं, सील कर देते हैं, जेल में बंद कर देते हैं. तो पानी को कितना गुस्सा आएगा, आपको बंद कर दिया जेल में तो गुस्सा आएगा ही नहीं. तो पानी की टोटल एनर्जी खत्म हो जाती है, जिससे ना आपके शरीर के चक्रों के ऊपर असर होता है, ना फीटस पर. आप सिर्फ पानी से अपने शरीर के चक्रों को भी ठीक कर सकते हैं इंस्टेंटली, और साथ साथ फीटस को भी एनर्जी दे सकते हैं, ये आपके हाथ में. इसका एक्सपेरिमेंट हमने बहुत सारा किया है, लेकिन आपके बीच मौजूद एक व्यक्ति है डॉक्टर देवेंद्र जी, आप आएंगे, ये बताएंगे. इनसे हमारी मुलाकात आज से 3-4 महीना पहले ही हुई थी, डॉक्टर नितिका जी ने ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उनके घर पे, और इन्होंने पानी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया. आप थोड़ा सा बताएंगे एक्सपेरिमेंट, और फिर आप ही चार्ज करेंगे पानी को. आपके सामने इन्होंने सीखा था कि पानी को कैसे चार्ज किया जाए. और डॉक्टर नीतिका सोफ्टी के यहाँ एक प्रोग्राम था 2-3 महीने पहले सितंबर में, और डॉक्टर चंद्रशेखर का लेक्चर हुआ, मैंने सुना. तो बहुत लॉजिकल बेंट ऑफ माइंड होने के कारण मुझे इनकी बातें कुछ बड़ी अजीब सी लगी. कुछ बातें तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके पास तो डिनाई नहीं की जा सकती, पर कुछ बातें ऐसी थी मैंने लगा कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, इन बातों को कहाँ तक एक्सेप्ट किया जाए. पर फिर मैंने इनको अपने यहाँ टेस्ट किया,
पानी को चार्ज किया जैसे इन्होंने कहा, और मैंने देखा कि वास्तव में पानी के चार्ज होने, पानी चार्ज हो जाता है और चार्ज होने का असर भी है। डॉक्टर चंद्रशेखर ने एक बात और कही जो कि हजम नहीं हो पाती, कोई भी मानेगा नहीं इस बात को, बड़ा मुश्किल है एक लॉजिकल व्यक्ति के लिए। इन्होंने बताया कि इनके एक मित्र हैं एयरफोर्स में, उन्होंने इनको फ़ोन किया कि भाई बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, दो बहुएँ आपस में लड़ती रहती हैं, इसका कोई इलाज बताइए। तो डॉक्टर साहब ने उनको सजेस्ट किया कि ऐसा करो, उनका पानी चार्ज कर दो और चार्ज करके आप ये मैसेज दो, पानी में मैसेज देना पड़ता है चार्ज करते, आप ये मैसेज दो कि ये आपस में ना लड़े और उनको ये पानी पीने दो। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इस बात को कहाँ तक एक्सेप्ट किया जाए। फिर मैंने अपने यहाँ मेरी मिसेज जो है वो काम करने वाली जो मेड है उससे बहुत लड़ती रहती थी छोटी छोटी बातों पर। तो मैं कहता था क्यों इसके पीछे पड़ी हो, छोटी छोटी बातें हैं। मुझे लगा कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ ट्राई करता हूँ। तो जो पानी वो पीती थी मैंने उसको चार्ज किया और मैसेज ये दिया कि जो भी इस पानी को पिए वो शांत हो जाए। तीन दफा डॉक्टर साहब ने कहा तीन दफा मैसेज देना चाहिए, और यकीन मानिए चार दिन बाद उन्होंने लड़ना बंद कर दिया। स्टॉप फाइटिंग विद द मेड। अब इसको कैसे हम डिनाई कर सकते हैं इस बात को, दिस एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने सोचा कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। तो मेरी उम्र 74 इयर्स है, कुछ मुझे मेमोरी लॉस, मुझे लगा कि मेमोरी लॉस हो रहा है। तो मैंने पानी को चार्ज किया और कहा कि जो भी इस पानी को पिए उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो जाए। यह मैसेज मैंने उस पानी को दिया और यकीन मानिए तीन दिन बाद मुझे लगा कुछ मेमोरी में इम्प्रूवमेंट आ रही है। आई फेल्ट एन इम्प्रूवमेंट। इसलिए ये मैंने बातें कही है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी सर यहाँ भी पानी चार्ज करके दिखाएंगे। पानी चार्ज करना यानी एनर्जी ट्रांसफर करना, इट इज ए साइंस। इनफैक्ट वाटर आपका जो पेन ड्राइव है ना मेमोरी स्टिक, उसी के जैसा है। आप जो मेमोरी स्टिक क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को डाटा को कलेक्ट करता है, लेकिन जो फाइव एलिमेंट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर में मेमोरी स्टोर होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि पुराने ज़माने से लेकर आज तक जो पूजा पाठ होता है उसमें पानी का प्रयोग होता है। पानी आप को कलसा में पानी रखा जाता है, मंत्रों के द्वारा उसको अभिमंत्रित किया जाता है। जो भी आप मंत्र उच्चारण करते हो वो पानी क्या करता है अपने में स्टोर करता है, और पानी के जो क्रिस्टल्स हैं वो एक शेप ले लेते हैं, जिसको साइंटिफिकली भी लेबोरेटरी में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया है और मेरे पास खुद मशीन है, मैं करता रहता हूँ कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ वाटर, इफेक्ट ऑफ द वाटर बाय मेडिटेशन एंड बाय कंसंट्रेशन। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा ब्रेन हाई पोटेंशियल में कब होता है, क्योंकि अब फिजिकल ब्रेन, ब्रेन ही सबसे ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट, इसी से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो ब्रेन हमारा हाई पोटेंशियल में कब रहता है, नहीं जब आप सोते हैं, ठीक है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन में मैक्सिमम हाई पोटेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि आप सोचना बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा आप लो कब होते हैं, लो पोटेंशियल कब होती है, जब गुस्से में होते हैं, चिंता में होते हैं। तो चिंता और गुस्सा में क्या होता है, आपका माइंड एनर्जी को क्या हो जाता है, कंज्यूम कर लेता है, और ब्रेन में एनर्जी 5-10% आ रही है। अभी इनके ब्रेन में एनर्जी कितनी है, इनकी ब्रेन में एनर्जी हार्डली 20% होगी, और 20% एनर्जी आते आते यहाँ से ख़त्म हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, चिंता, एंग्जाइटीज, इमोशनल प्रॉब्लम, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके उम में अंधकार पैदा कर देते हैं। अब फीटस का क्या हाल होगा, आपको आप लाइट चली जाए तो आपका क्या हाल होता है,
तो आप इमेजिन कीजिए कि व्हाट इज द कंडीशन दैट टाइम ऑफ द फीटस, व्हाट फीटस। तो आप फीटस को ठीक से नर्चर नहीं करें तो वो भी बाहर आके एग्रेसिव होता है और आप जो बोलते हैं उसके अगेंस्ट में जाते, क्योंकि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा ही नहीं करते, ठीक है। तो आप एक और एनर्जी ट्रांसफर का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए, आप यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपको नींद आने लगे, आप ऐसा सोने लग जाएं, तो क्या होगा, आपका ब्रेन उस समय क्या हो जाएगा, हाई, हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मन काम करना बंद कर दिया। तो आपके ब्रेन से जो वाइब्रेशंस है 3 फीट की रेडियस में जाके क्या होती है, हिट करती है जो भी नेक्स्ट ब्रेन है। तो जो नेक्स्ट ब्रेन है वो क्या होगा, रेसोनेट हो जाएगा। जब रेसोनेट होगा तो वो भी सोने लगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेन रेसोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। तो यहां भी अभी पानी में लो पोटेंसी है, अब लो पोटेंसी में हम हाई कैसे ट्रांसफर, अगर हमारा ही लो हो तो उसमें कहां से एनर्जी जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इस 3 डायमेंशनल कंसेंट्रेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब देखिए, ये इसमें ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, जो सैक्रल चक्र के लिए भी होता है और वाटर एलिमेंट्स के लिए भी होता है। इस ऑरेंज कलर पे कंसंट्रेट करेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे सर, देख लीजिए जहां पे इजिली लाइट में, जहां पे आपको दिखाई दे इजिली, ठीक है, जिस एंगल से दिखाई दे, दिख रहा है। जब प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे जल्दी से देखिए, क्योंकि 3 डायमेंशनल इमेज है ऑरेंज कलर में। अब होगा क्या, जब ये कंसंट्रेशन करेंगे तो इन माइंड क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा 3D पे। जब फोकस हो जाएगा तो ब्रेन उस ऑरेंज कलर की फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, रेसोनेट होगा, और 3 मिनट में रेसोनेट हो जाएगा, 3 मिनट में आपका ब्रेन हाई हो जाएगा। और उसके पास जब पानी को लेके आएंगे, आंख बंद करेंगे और उसी को रिकॉल करेंगे ऑरेंज कलर की इमेज को, तो क्या होगा, ब्रेन से हाई पोटेंसी से एनर्जी कहाँ जाएगी, आपके लो पोटेंसी में जाएगी, ठीक है। और विद इन 2 to 3 मिनट्स पानी चार्ज हो जाए। फिर पानी में इंटेंशन दीजिए, व्हाट यू वांट, आप पानी में इंटेंशन दीजिए कि आप हमारे शरीर के 7 चक्रों को बैलेंस कीजिए, है ना, बॉडी के सेल्स की एनर्जी बनाइए और फीटस को मैक्सिमम एनर्जी दीजिए। जो जो आप मेमोरी उसमें डालेंगे, वाटर विल डू दैट अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके ऊपर हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है और इट इज 100% सक्सेसफुल। कंसेंट्रेशन के बाद जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो फास्ट होता है। ऐसे आप सोच का भी, ऐसे भी आप पानी रख दे, भजन गाते रहे तो भजन गाने से भी उसमें पाया जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। एक्सपेरिमेंट किया गया, 1 घंटा प्रेयर किया गया, 1 घंटा प्रेयर का जो क्रिस्टल बना वो क्रिस्टल से ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा क्रिस्टल बना 5 मिनट कंसेंट्रेशन। 1 आवर ऑफ प्रेयर एंड 5 मिनट ऑफ कंसंट्रेशन, वो भी 5 मिनट में बहुत अच्छा बना। तो कंसंट्रेशन में क्योंकि एनर्जी फोकस हो जाती है, आप देखते होंगे ना, है ना। अभी आप दोनों का पानी ले लीजिए, अभी ले लीजिए, आप उनका उस हाथ में ले लीजिए, हाँ मैसेज देना कि इनके चक्रों को बैलेंस करें और फीटस की एनर्जी को बढ़ाए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन से 2 मिनट तक पूरा उस इमेज को याद कीजिए ताकि वो पूरा चार्ज हो। फिर जब भी हम 5 मिनट कंसंट्रेशन करते हैं तो 5 मिनट हमारा ब्रेन बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उस समय कोई बातें नहीं आती है। प्रेयर मेडिटेशन में क्या होता है, मन भागता रहता है, इसलिए फोकस नहीं होता है और क्रिस्टल कम बनता है, लेकिन कम बनता है, फायदा नहीं होता है। और इंस्टेंट फायदे के लिए, और एक साथ 5 मिनट में 2 लीटर पानी चार्ज करें, चाहे 20 लीटर करें, चाहे 200 लीटर करें, ठीक है, वो सब का सब चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर कैरी द एनर्जी, योर ओन पॉजिटिव एनर्जी इन योर ओन बॉडी, तो ये आपके लिए बेस्ट है। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि डिफिकल्ट है, बोलिए, चार्ज करके सुबह में ही रख दीजिए, दिन भर वही पानी पीते रहिए, ठीक है, 24 आवर्स तक चार्ज रहेगा। यू विल गेट बुक, और 50 बुक्स आर अवेलेबल आउटसाइड, ठीक है। तो अभी इन्होंने चार्ज किया, हम चेक करते हैं कि चार्ज हुआ कि नहीं हुआ।
अभी आप देखिए ये हिल नहीं रहा है, ठीक है, अभी ये पानी डिसोनेट हो गया, अब ये पानी इनका ही वाला है, आप पीजिए और इसको रख लीजिए, जितना पीना है पीजिए और इस पानी को रख लीजिए, आपका पानी है। थैंक यू सर। हाँ आपका तो अच्छा ही है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस आप देख रहे हैं सातों तक और डिस्टेंस देखिए, आप देखिए डिस्टेंस यहाँ तक भी नहीं खुल रहा है, यहाँ तक भी नहीं खुला, ठीक है, इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये इक्विपमेंट्स आपका जो बॉडी से वाइब्रेशन निकल रहा है ना, सेंस कर रहा है। कैसे सेंस कर रहा है? मैंने बताया ना, प्रिंसिपल में बताया ना कि दिस इज निगेटिव पोल, सिंपल इज दैट। आपके बॉडी से जो एनर्जी निकलती है दैट इज ऑल्सो निगेटिव, लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो बीइंग की एनर्जी है, जो चक्रों में जाती है, दैट इज प्लस पॉजिटिव। सो व्हेन आई एम पुटिंग दिस इन फ्रंट ऑफ द चक्रास, अगर चक्र में पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव क्या होगा, दोनों इकट्ठे रहेगा। एंड व्हेन देयर इज नो एनर्जी देयर, स्पिरिचुअल एनर्जी ओनली निगेटिव, देयर निगेटिव निगेटिव विल रिपेल। यस दोनों इकट्ठे पेयर ये मिलता है। हाँ लेकिन आपको पहले पकड़ने का ट्रेनिंग 2 दिन लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप स्टेथोस्कोप, मैं बोलूँ कि मैं स्टेथोस्कोप लेके चेक करता हूँ, आई कैन डू अनलेस आई एम ट्रेन, ओके। अभी अभी इन्होंने पानी पिया और आपके खुद देखेंगे, आपके सामने जो दिखा रहा हूँ इनके चक्र कैसे बैलेंस हो रहे हैं, और मैं कंप्यूटराइज फोटो भी दिखाई, कंप्यूटराइज जो मैंने दिखाया कंप्यूटराइज भी चेक कर सकते हैं। वो जो फोटो था वो क्रीलैंड कैमरा से था, अभी आप देखिए यहाँ पे, अभी आप देखिए, अभी आप देखिए, अभी आप देखिए कितना बड़ा, अभी आप देखिए यहाँ से गड़बड़ हो रहा था, ठीक है। आप देखिए दोनों में, दोनों बॉडी में फर्क पड़ा, और सबसे अब फिजिकली भी हम जस्ट एनालाइज करेंगे। आप ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे हाथ कीजिए, ठीक है, आप खुद बताइएगा। जब मैं पहले ताकत लगाया था, अभी ताकत लगा रहा हूँ, 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 आप खुद बताइए हाउ डू यू फील द डिफरेंस, आपको फील हुआ डिफरेंस बेटर? तो आप देखिए चक भी सही हुआ और यहां से एनर्जी हाथ में जा रहा था, न्यूरोमस्कुलर स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, ठीक है। एंड चेक आपका भी हाथ ऐसे करिए, ठीक है, रेडी, अभी आप ताकत लगाइए, ताकत लगाइए, पूरा ताकत लगाइए, पूरा ताकत लगाइए, पूरा लगाइए, पूरा लगाइए, पूरा लगाइए। पहले से बेटर हुआ कि नहीं हुआ हा? तो आप ये काम आप भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि कोई साधु पंडित जी के पास मंत्र पढ़ाने के लिए लेके जाना है, ये मंत्र नहीं है, साइंस है, एवरीबॉडी कैन डू। थैंक यू, थैंक यू, ले जाइए पानी। हाँ जी, बच्चों में भी नॉर्मल रहता है, लेकिन जो बच्चे नटखट होते हैं उनका अलग अलग भी होता है। कभी आप देखते हो कई बच्चों को कितना भी खाना खिलाओ दुबला पतला ही रहेगा, क्योंकि उसके चक्र ठीक नहीं है, ठीक है। क्या कौन चाइल्ड इज हैविंग द पॉजिटिव एनर्जी बट ही इज रिसीविंग पेरेंट्स एनर्जी, सोसाइटी एनर्जी, एनर्जी तो सब जगह ही है ना, एनर्जी का बॉम्बार्डिंग तो होता रहता है। इंडिपेंडेंट उसका ठीक होगा, लेकिन जब बाहर का फैक्टर होगा वो क्या होगा, वो तो उसको इम्बैलेंस करेगा ना, ठीक है। तो एक तो कंसेंट्रेशन है, नॉट ओनली यू कैन चार्ज द वाटर, यू कैन चार्ज द फूड ऑल्सो। फॉर फूड यू कैन यूज द डिफरेंट कलर, that is yellow color, yellow with the yellow color you can use the charge the same methods, concentrate and look at the food, lekin non veg food charge nahi hoga, theek hai,
सात्विक और राजसिक फूजित चार्ज होगा, ठीक है? Yes, definitely, because this is a simple instrument which is to be used. Okay, lifetime instrument है. Okay, next I will say what to do. ये practical, पानी चार्ज करना और भोजन को चार्ज करके खाना, ठीक है? Next. आपके आपके शरीर में जो सातों चक्र है उसमें भगवान ने 20 डॉक्टर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डॉक्टर आपके यहाँ पे हैं, सैक्रल प्लेक्सस में, जहाँ पे वूम है वहाँ पे कौन कौन डॉक्टर है? आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट है, इम्यूनोलॉजिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है? ये 6 डॉक्टर यहाँ पे भगवान ने प्लेस कर रखा है और ये 6 डॉक्टर एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं, आपकी मेंटल प्योरिटी के ऊपर. आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, पास्ट के बारे में नहीं सोचना, न फ्यूचर के बारे में फियर करना, ठीक है? जितना आपके अंदर प्योरिटी रहेगी उतना आपको फायदा होगा, ठीक है? तो प्योरिटी प्योरिटी के लिए आपको फॉरगिवनेस भी जरूरी है. जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे तब तक जिसको आपने फॉरगिव नहीं किया है उसका नेगेटिव एनर्जी को आप क्या करेंगे? लेंगे, और वो एनर्जी आपके उम को क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा, ठीक है? और शांति है ना, पीस. तो इन तीनों का अलग अलग वाइब्रेशन है, ठीक है? जो प्योरिटी का वाइब्रेशन है, जो सैक्रल प्लेक्सस है यहाँ पे, इसका ये वाइब्रेट्स होता है हमारे ऑरेंज कलर पे. किस पे होता है? ऑरेंज कलर पे. और जो हमारा हार्ट है वो वाइब्रेट्स होता है ग्रीन कलर पे. और जो हमारा पीस है, यहीं से जहाँ इमोशनल प्रॉब्लम होता है तो आपका ये चक्र विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस हो जाता है. 2 चक्र जनरली सबका ठीक रहता है, लेकिन गड़बड़ कहाँ से होता है? यहाँ से होता है. तो इसका कलर ब्लू है. तो 3 कलर का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अभी हम आपको कलर दिखाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और ये तीनों कलर इस बुक में भी है, इस बुक में भी आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ठीक है? तो अभी वो दिखाएंगे वीडियो आपको, मैं जस्ट दिखाता हूँ और एक्सपेरिमेंट कराता हूँ, देन वील हैव द ब्रेक. कैसे मेडिटेशन करना है, हाउ यू विल मेडिटेट एंड गिव द एनर्जी टू योर फीटस, ठीक है? आप देखिए, that is universal scanner, that is universal energy scanner, you can google it, you can see, you can energy scanner, it cost with the training they give 15,000. But both of them are negative poles. Ha ha, wo to hota hi hai na, if you just hold it like this. Ha, वो तो होगा. नहीं नहीं होगा, मैं दिखाया ना. द मोमेंट ए पुट बोथ पोल्स टुगेदर नेचुरली इट विल गो, इट विल गो ऑटोमेटिकली, इट विल गो अनलेस सम पॉजिटिव फोर्स इज देयर टू कीप इट टुगेदर. या आई विल गिव यू द नंबर ऑफ द पर्सन, यू कैन कॉन्टेक्ट एंड ओके. So now we'll see the video how you will think in the meditation. Meditation does not mean not to think anything. If you are not thinking, if you are thinking I am not thinking, that is also a thought. आप सोच रहे हैं मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, ये भी एक क्या है? Thoughts है. तो meditation is a journey of thought. Concentration is totally stopping the thought. Concentration है जैसे आप journey कर रहे हैं, red light आए, आप क्या करते हैं उसको? रोक लेते, स्टॉप हो जाते, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रेशन. एंड मेडिटेशन यू आर जर्निंग विद ऑल पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव जर्नी, जर्नी ऑफ जर्नी विद द पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशन इज कॉल्ड मेडिटेशन. ओके, तो दैट इज मेडिटेशन. तो मेडिटेशन में आपको सबसे पहले सोर्स को देखना है. हु इज द सोर्स ऑफ बीइंग? परमात्मा है, गॉड है, उसी से एनर्जी आती है. तो गॉड से जब एनर्जी आती है तो उसको हमें क्या करना है? फील करना है. ऑरेंज कलर में you have to see the god and feel that the orange color shower is coming and going directly to the womb, sacral plexus, theek hai? Aur wahan se wo orange color pura us area mein phail raha hai, theek hai?
फिर आपके पूरा ब्लड सिस्टम को प्यूरिफाई कर रहा है इन ऑरेंज कलर, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफाइंग निरोबिक्स, ठीक है। इसका डीवीडी है, वीडियो है, यू कैन सी, आप देखिए, दैट इज कॉल्ड ऑरेंज कलर। सो यू कैन इमेजिन द ऑरेंज कलर इज फॉलिंग फ्रॉम द सोर्स टू योर क्राउन चक्रा, एंड क्राउन चक्रा से एनर्जी आपके ऑरेंज कलर की एनर्जी ब्रेन से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपको फीटस में जा रहा है, सैक्रल प्लेक्सस में। यू कैन फील हियर द एनर्जी इज कमिंग मेंटली। आप से आप देखिए, आप करेंगे भी अभी, आप देखिए यहाँ पे एनर्जी आ रहा है। अब यहाँ से एनर्जी कहाँ जाएगा, आपके पूरा फीटस में जाएगा और ब्लड चैनल्स को, ब्लड को पूरा प्यूरिफाई करेगा। जितना ब्लड आपका प्यूरिफाई होगा उतना फीटस का भी ब्लड उतना प्यूरिफाई होगा, और कभी भी इम्यून सिस्टम फीटस का कभी भी कम नहीं होगा जिंदगी में, इफ यू प्यूरिफाई एट द ओम लेवल इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको इमेजिन करना है कि आपका वो ऑरेंज कलर पूरे ब्लड में जा रहा है। सो यू हैव टू इमेजिन योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कैन यू सी द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाउ, एंड यू हैव टू फील दिस होल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हैज बिकम ऑरेंज। योर हार्ट which is pumping the bloods, that of blood also became orange, and whole body is vibrating with the orange color frequency. ऐसा आपको मन में सोचना है, that thoughts only will be cleaning it. आपने देखा कैसे thoughts पानी को effect किया, same this thought is going to affect your inner water, ठीक है। अभी फिर आपको देखना है कि kidney, blood filter है, kidney को भी क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, किडनी को भी प्यूरिफाई कर रहा है, किडनी, किडनी इज बीइंग प्यूरिफाइड, यू हैव टू इमेजिन, ठीक है। और इसके बाद फील करना है कि आपका पूरा बॉडी क्या हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया, ठीक है। उसी तरह ये पूरा ऑरेंज कलर का हो गया, इसी इसके साथ में दो कलर और करना है, प्योरिटी के बाद में ग्रीन कलर करना है, जो आपका हार्ट, बच्चे का हार्ट रेट को क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा। अभी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, 15 मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर डाउन, आप मशीन लाइए, चेक कीजिए, और प्री एंड पोस्ट हम चेक करके दिखा दें, विद इन 15 मिनट्स योर ब्लड प्रेशर विल रिड्यूस, गारंटी, दैट इज सुप्रीम डॉक्टर गारंटी। सो यू हैव टू डू दैट, नाउ विल डू द मेडिटेशन, ओके। सभी ठीक से बैठ जाए, और एक बात, जो प्रेगनेंट जो लास्ट फेज में है, जो 8th and 9th month में है, especially देख, for them this mudra is best, आपान मुद्रा, सीजनियन नहीं कराना पड़ेगा, normal delivery होगी, ठीक है। ये आपका आपान मुद्रा, can you see this आपान मुद्रा, है light, एक बार था मुद्रा दिखाना है, एक light on कर दीजिए एक मिनट के लिए। आप देखिए ये जो दोनों finger है, middle finger and ring finger, that should be joined with the thumb, and remaining two finger will be straight, and you will do with both hand, दोनों हाथों से आप मुद्रा करेंगे, और कमर सीधी रहेगी मेडिटेशन करते समय, जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वो सीधा रहेगा, ठीक है। ये मुद्रा सिर्फ सिर्फ जो लास्ट फेज में है ना, 8th, 8.5 and 9th month, उसको बाकियों को पहले नहीं करना है, ठीक है। बाकी कौन से मुद्रा करेंगे, प्राण मुद्रा, ये वाला मुद्रा प्राण मुद्रा, उससे एनर्जी फीटस को मिलती रहेगी। तो देखिए सिर्फ एक उंगली का फर्क है, ठीक है। ये है प्राण मुद्रा, यू कैन डू इन द बिगिनिंग पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, एंड अपान मुद्रा लेटर फेज, ओके। ये अपान पहले नहीं करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, दिस इज हेल्पफुल, दिस इज प्राण एंड अपान, ओके, प्राण मुद्रा एंड अपान मुद्रा, ओके। तो अभी सभी आप कमर सीधी करके बैठ जाइए, और मुद्रा सेलेक्ट कर लीजिए, प्राण और अपान एज पर योर चॉइस, एंड प्राण मुद्रा इज फॉर एवरीवन, ठीक है। प्राण मुद्रा इज फॉर एवरीवन, ठीक है, ये जनरल मुद्रा है, इससे सबको एनर्जी मिलेगी, प्राण मुद्रा, ठीक है, ओके। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, inhale deeply, exhale slowly. Now invoke God.
See, O God Father, O Almighty, Source of Energy, please come and heal my chakra, balance my chakra, energize me, empower me, and bless the fetus. And you can feel God as a divine light, Paramatma, ek divya jyoti ke roop mein aapke sir ke upar aa gaye. Aap sabhi feel karein ki aapke sir ke upar ek param jyoti orange color ki rays ka shower de rahi hai. Feel the shower of orange color divine energy coming from divine light. Aur Paramatma se wo energy aapke brain mein ja rahi hai aur brain se dheere dheere aapke spinal cord mein ja rahi hai. Spinal cord se dheere dheere aapke sacral plexus swadhisthan chakra jo fetus ke paas hai wahan ja rahi hai. वहाँ से एनर्जी पूरे फीटस में फैल रही है. फील द फीटस, होल फीटस इनसाइड हैज बिकम इन ऑरेंज कलर. और धीरे धीरे ऑरेंज कलर की रेज हमारे ब्लड चैनल्स में जा रही है. ब्लड वेसल्स को इमेजिन करें, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर एनर्जी जा रही है. और पूरा ब्लड अंदर से ऑरेंज कलर का हो गया. ऑरेंज कलर की एनर्जी आपके हार्ट के अंदर जाके हार्ट को एनर्जाइज कर रही है. किडनी को क्लीन कर रही है. एंड द होल बॉडी हैज बिकम इन ऑरेंज कलर. टू यू एज वेल एज द फीटस. And God is now showering the green color of divine love also. Feel the divine love of the God. Paramatma aapke upar prem ki kirne barsa raha hai. Prabhu prem baras raha hai aapko. Feel the green color inside. Aur ab परमात्मा से शांति का ब्लेसिंग्स मिल रहा है. मन शांत हो रहा है. ब्लू कलर को इमेजिन करें. फील ब्लू कलर शावर. शांति की किरणें आपके सिर के ऊपर आ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है. पूरा शरीर शांति के वाइब्रेशन से रिलैक्स हो गया है. Man Sant, feel the divine energy inside, feel the blessed soul. Teen bar lambar gahra swaas le. Aur dil se Paramatma ko dhanyavaad de. Dil se bole, he Prabhu, aapko bahut bahut shukriya, shukriya, shukriya. Wo so karke bhi kar sakte hain, late karke bhi kar sakte hain. लेकिन तकिया आपको छोटा रखना पड़ेगा, मोटा नहीं, ठीक है, ताकि आपका जो रीढ़ की हड्डी वो बिल्कुल एक और लेट करके है ना करना है. तो क्या इसके लिए कोई आसन भी नहीं है, कोई कम पूरा आपको डिसिप्लिन वे में नहीं करना है, ठीक है. दिस इज टोटली इन इनफॉर्मल वे ऑफ डूइंग एंड कनेक्टिंग योर सेल्फ विद द डिवाइन. और ये कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं. दिस इज एनी टाइम मेडिटेशन ATM. ओके, ठीक है. ओके, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड. यस, आई सफर फ्रॉम द कैंसर हेपेटाइटिस सी. आई डिड विद दिस ओनली बिकॉज व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर एंड हेपेटाइटिस सी एंड डॉक्टर्स गिवन अप द होप, दैट टाइम आई सॉ ए डिवाइन लाइट. मुझे एक डिवाइन लाइट का दर्शन हुआ हॉस्पिटल में.
और उस डिवाइन लाइट से ही हमें सारी चीज सीखने को मिली, और उसी से हमने एक नया साइंस बनाया जिस साइंस का नाम है साइको न्यूरोबिक्स। नवे साइंस यूनिवर्सिटी के द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन मोड में पढ़ाया जा रहा है। एनीबडी कैन लर्न दिस साइंस, दिस इज लाइफ स्किल मैनेजमेंट साइंस, जिससे आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, यू कैन लॉग ऑन द वेबसाइट sigfasolutions.com, sigfasolutions.com। सिग्फा इज गॉड फॉर मी, सिग्फा का मतलब होता है एस मीन्स स्पिरिचुअल, आई मीन्स इनकॉर्पोरियल, जी मीन्स गॉड, एफ मीन्स फादर, ए मीन्स ऑलमाइटी। तो sigfasolutions.com पे आप देखेंगे, so you can find many information. We can have the questions and the discussions in the tea break. Okay, thank you. Kasab Chandrasekhar bhai, simply awesome. Thank you. Isse pehle humne na kuch aisa suna tha na dekha tha. And we definitely promised. Ek baar to yahan se wapas jaake hum zarur try karenge. Try to karke dekhna banta hai. Definitely. Kendra Kumar Jain, our Honorable Minister of Health and Industries, Government of Delhi. May I request Mr. Kirit Sopti and Dr. Manisha to welcome him. Request you to give us your blessings for this divine project. Good morning. Good morning. Hello. आवाज आ रही है? आ रही है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर निकिता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने यहाँ पर बुलाया। ये मुझसे मिलने आए थे थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में मुझसे बात की, मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे लगता है सरकार के लेवल पर इसको प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके पास प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमारे पास हाथ बड़े बड़े हैं, तो हम उसको हाथ तक फैला देंगे, सबके पास पहुंच जाएंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लाइट रिमूव्स द डार्कनेस एंड मेक्स इट पॉसिबल टू सी थिंग्स क्लियरली, इट ब्रिंग्स ब्राइटनेस विद इट। यह निशीत का दिला रहा विहान है, दीप प्रज्वलन तो प्राण के समान है। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर श्री सत्येंद्र कुमार जैन जी को, डॉक्टर प्रतिमा मित्तल, डॉक्टर सुनीता मित्तल, डॉक्टर अर्चना बजाज, डॉक्टर वीएल भार्गव, मिसेस साधना मेहता, डॉक्टर मंजू गुप्ता, डॉक्टर मंजू खेमानी, डॉक्टर नलिनी महाजन, मिस्टर किरित सोपती, मिस्टर दीपांकर अरोड़ा, मिसेस रेनू सोपती, डॉक्टर संजीव चांदना, वीके शिवानी मैन एंड चंद्रशेखर भाई, हु हैव बीन द पिविटल पॉइंट एंड द आधार स्तंभ ऑफ टुडेज प्रोग्राम। नितिका बेन, मनीषा बेन, Dr. Ankita, by all of you. शक्तियों से है सुशोभित सर्वशक्तिमान, वो वरदाता वरदानों की खान। आओ झोलियां भर के जाओ, अपना जीवन सफल बनाओ। जितने भी आप सब बैठे हैं, इन दो मिनटों में मन में प्लेज करें कि बेबी वर्च्यू से भरा हुआ हमारे जीवन में आ रहा है, उसकी सोल की लाइट भी जलेगी, आप भी एकदम लाइटेड होंगे।
तो ये यहाँ जो चल रहा है वो आप सबके मन में, आपके होम में, आपके घर में चमकता हुआ सितारा जैसा वहाँ बैठे चल रहा है। मुझे तो यहाँ से दिख रहे हैं सितारे सारे चलते हुए। थैंक यू सर।